हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स इन माइनिंग बाय नीरज दास। इस चैनल में हम आपको नए नए माइनिंग जॉब्स, नए नए माइनिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। तो आज मैं लेके आया हूँ बहुत बड़ी अपडेट जो आई है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड से, SECL से। SECL की जो माइनिंग सरदार की वैकेंसी आई थी 2023 के लिए, तो इसके लिए एलिजिबल प्रोविजनल एलिजिबल कैंडिडेट और नॉन एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट आ गई है दोस्तों। तो इसको कैसे देखेंगे, कहाँ से डाउनलोड करेंगे, उसके बारे में डिटेल्स जानेंगे। तो इसके पहले जानते हैं कि एलिजिबल और इनएलिजिबल लिस्ट जो है उसमें क्या क्या आया है, वो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको जो है कोई भी वीडियो डालने पर आपको नोटिफिकेशन में दिख जाए। साथ ही साथ ये वीडियो को आप शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स को, जिससे ये इन्फॉर्मेशन सभी फ्रेंड्स को, सभी माइनिंग कम्युनिटी को मिल सके। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या नोटिसेस आई है वो देखते हैं। ये नोटिसेस आई है लिस्ट ऑफ प्रोविजनल एलिजिबल और नॉन एलिजिबल कैंडिडेट फॉर रिटर्न टेस्ट इन रेफरेंस टू द एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर SECL बिलासपुर MP HQ 2023-477 डेटेड 30/1/2023 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ माइनिंग सरदार TSN ग्रेड सी। इसका मतलब है एलिजिबल और नॉन एलिजिबल कैंडिडेट जो है उसका जो एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 30/1/2023 को है, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन भी दिखा रहा हूँ दोस्तों, जिसमें माइनिंग सरदार की जो वैकेंसी आई थी 350 की वैकेंसी आई थी, जिसमें से SC 48, ST 97, OBC नॉन क्रिमिनल 42 और EWS 121 और अनरिजर्व जो है 131। डिप्टी सर्वेयर की जो वैकेंसी आई थी ऑलरेडी इसका एलिजिबल और इनएलिजिबल लिस्ट जो है वो जारी कर दिया गया, इसका एग्जाम भी हो गया है दोस्तों। साथ ही साथ इसका जो लिस्ट भी है, इसका जो एग्ज़ाम के बाद जो है उसका रिजल्ट भी आ गया है दोस्तों। तो हम लोग सिर्फ माइनिंग सरदार के लिए जो अभी आई है ये इसमें कह रहा है दोस्तों, जो एलिजिबल और नॉन एलिजिबल कैंडिडेट हैं, एलिजिबल कैंडिडेट हैं उसके लिए अटैच लिस्ट ए है और नॉन एलिजिबल कैंडिडेट हैं उसके लिए अटैच लिस्ट बी है। तो देखते हैं, द नॉन एलिजिबल कैंडिडेट जिसका नाम लिस्ट बी में है वो अपना सबमिट करें रिप्रेजेंटेशन में 10 दिन के अंदर में 22/5/2023 तक। किसको कैसे शो कैसे करना है, gmmanpower.secl@coalindia.in पे। साथ ही साथ इसके साथ ही रीजन जो है दिया हुआ है इसमें, तो अगर आपका जेन्यून है तो आपका जो है फिर A2 जो है एलिजिबल लिस्ट जो है जारी किया जाएगा एग्जाम के पहले और उसे एग्जाम के लिए अपियर करने दिया जाएगा। जो प्रोविजनली एलिजिबल लिस्ट है वो उसका नाम दिया गया है दोस्तों, वो अपना सर्च कर सकते हैं। द प्रोविजनली एलिजिबल जो है अपना सबमिट करें, रिमार्क्स कॉलम में जो दिया हुआ है अगर आपका कुछ है तो वो भी जो है सबमिट करें, 10 दिन के अंदर करें, वो भी 22/5/2023 तक। प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ माइनिंग सरदार हु हैव सबमिटेड प्रोविजनल सर्टिफिकेट माइनिंग सरदार का, ओवरमैन का, सेकेंड क्लास या गेस्ट टेस्टिंग का, वेर इन नो वैलिडिटी डेट इज मैंशन, दे हैव टू सबमिट वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ और क्लैरिफिकेशन विद इन रेलिवेंट डॉक्यूमेंट विद इन स्टेपुलेटेड टाइम, दैट इज विद इन 10 डेज ऑफ पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ प्रोविजनल एलिजिबल कैंडिडेट। तो जो जिसके पास माइनिंग सरदार, ओवरमैन और सेकेंड क्लास या गेस्ट टेस्टिंग का प्रोविजनल एलिजिबल प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, जिसमें से वैलिडिटी जो है डेट जो मेंशन है वो सबमिट नहीं किए हैं, तो उसको सबमिट करना है वैलिड सर्टिफिकेट विद क्लेरिफिकेशन। जो प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट हैं फॉर द पोस्ट ऑफ माइनिंग सरदार हुज कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट माइनिंग सरदार, ओवरमैन, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, गेस्ट टेस्टिंग या फर्स्ट टेस्ट सर्टिफिकेट वॉज वैलिड ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन बट द वैलिडिटी पीरियड लैप्सेस सब्सिक्वेंटली, दे विल हैव टू सबमिट द वैलिड सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। जिसका जो है नोटिफिकेशन के समय जो वैलिड सर्टिफिकेट था, जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट जमा किए थे उसको जो है आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको जमा करना पड़ेगा। द कैंडिडेट क्लेमिंग अंडर कैटेगरी कास्ट कैटेगरी SC ST OBC नॉन क्रिमिनल या EWS के लिए अपना वैलिड सर्टिफिकेट जो है जमा करेंगे एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ वेरिफिकेशन। तो दोस्तों इसमें इतना ही है, आपको जो लिस्ट है उसमें से आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो वैलिडिटी में है क्या क्या चीज़ है,
क्या चीज़ बोल रहा है और क्या क्या चीज़ सबमिट करना है। तो साथ ही दोस्तों इसमें से जो एलिजिबल स्टूडेंट है वो 8,789 स्टूडेंट का लिस्ट निकला है, नॉन एलिजिबल स्टूडेंट जो है वो 1,584 निकला है, टोटल नंबर जो है 10,373 है। तो दोस्तों इस वीडियो पीडीएफ को जो है आप हमारे इंस्टा मोजो के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, जो हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लिंक भी जो है व्हाट्सएप के थ्रू भी मैं शेयर कर देता हूँ, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, या आप मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे तो वहाँ से भी आप मिल जाएगा। 9060668126 पे आपको मैसेज करना है, आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।